दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके कल के पेपर के लिए 100% आने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सही जोड़ी है दोस्तों, यहां पर पहली सही जोड़ी है आयुर्वेद के जनक। दोस्तों आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चरक जी हैं। तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया है दोस्तों? तो ये आप देख सकते हैं विकल जी ने दिया है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकाएं होती हैं या एक कोश की जीव होती हैं। बैसिलस एक क्षणाकार जीवाणु है। द्विनाम पद्धति की खोज कैरोलस लिनियस ने, या फिर कहें द्विनाम पद्धति का जो पहली बार यहां पर नामकरण दिया था ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न यहां पर, किसी जात के विकासात्मक इतिहास डैश डैश को कहते हैं? तो जाति वृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जाति वृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका की भित्ति का एक प्रमुख बहुलक है तो कौन सा है? सेलुलोज होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स की प्रभावी अवस्था क्या है? दोस्तों जो ब्रायोफाइट्स है उसकी प्रभावी अवस्था गुणित कहलाती है, यानी अगुणित कहलाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर फीते के समान हरित लवक डैश डैश पौधे में पाया जाता है? दोस्तों जो फीते के समान हरित लवक है वो स्पायरोगायरा में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्पायरोगायरा एक ऐसा पौधा है जिसमें फीते के समान हरित लवक पाए जाते हैं। अगर आप हमसे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं दोस्तों, तो टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और टीचमेंट ऐप में आपको टीचमेंट आईडी को एंटर कर देना है सिंपली दोस्तों। इसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सारे लाइव डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्यूनेरिया का मादा जनन अंग कहलाता है? दोस्तों जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का मादा जनन अंग कौन सा कहलाता है? आर्किगोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्किगोनिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, साक खाड़ी तथा वृक्ष के प्रकार का आधार बताइए। जो साक और झाड़ी तथा वृक्ष के प्रकार का आधार कौन सा है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा अकार्की। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकार्की हो जाएगा। कोशिकाओं की कॉलोनी के रूप में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं दोस्तों? तो बॉल बॉक्स होते हैं। कौन से होते हैं? बॉल बॉक्स होते हैं। डैश डैश में बीज फल के अंदर विकसित होता है? दोस्तों जो बीज है वो किसके फल के अंदर विकसित होता है? तो अनावृत बीज में, जो अनावृत बीजी होते हैं दोस्तों, इसमें बीज जो है तो फल के अंदर विकसित होता है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर शरीर में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। डैश डैश के शरीर में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता दोस्तों। तो शैवाल के शरीर में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार को कहते हैं? दोस्तों जो समुद्र में खरपतवार होती है उसे क्या कहा जाता है? भूरा शैवाल कहते हैं। हृदय के समान अगुणित रचना डैश डैश कहलाता है। प्रोथेलस जो होता है दोस्तों वो हृदय के समान ही एक अगुणित रचना होती है दोस्तों। इस तरह से हमारे जो यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है दोस्तों? तो लाल शैवाल में फाइकोएरिथ्रिन होता है। क्या होता है? फाइकोएरिथ्रिन होता है, जो लाल शैवाल का वर्णक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइफा के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हाइफा है इसके समूह को क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। हाइफा के समूह का होता है दोस्तों। दो खाद्य शैवालों का नाम बताए। दोस्तों जो दो खाद्य शैवाल होते हैं उसके क्या क्या नाम होते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, लेमिनेरिया और पोरफायरा। क्या होता है? लेमिनेरिया और पोरफायरा होता है दोस्तों। चाय में रस्ट रोग किस शैवाल से होता है? दोस्तों जो चाय है, चाय में रस्ट रोग किस शैवाल से होगा? तो सिफेलियोरस नामक शैवाल से पैदा होता है दोस्तों। अगर आप हमसे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करिए और टीचमेंट आईडी को एंटर कर देंगे दोस्तों सिंपली, तो आप हमसे लाइव क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लगातार मैथ्स बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों के बारे में दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पौधे का पुष्प सबसे बड़ा होता है? दोस्तों जो पौधा है वो रेफ्लेसिया पौधा है जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों। पक्षियों की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? दोस्तों जो पक्षियों की सर्वोत्तम परिभाषा है तो परयुक्त चतुष्पादी होते हैं। क्या होते हैं? परयुक्त चतुष्पादी होते हैं। ये बायोलॉजी की भाषा में और सिंपल भाषा में तो पक्षी बोला जाता है दोस्तों। यूथिरियन स्तनी होते हैं, जो यूथिरियन है स्तनी होते हैं तो जरायुज में होते हैं। किसमें होते हैं? जरायुज में। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? दोस्तों जो रुधिर होता है आर्थ्रोपोडा का वो हीमोसाइनिन की वजह से नीला रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पक्षी वर्ग की हड्डियां डैश डैश होती है। जो पक्षी वर्ग है दोस्तों उसकी हड्डियां जो होती है वो क्या होती है? परजीवी होती है। क्या होती है? परजीवी होती है। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? दोस्तों जो स्टारफिश है ये किस संघ का जंतु है? तो इकाइनोडर्मेटा का है। किसका है? इकाइनोडर्मेटा का है। चपटे कृमियों में उत्सर्जन अंग होता है तो ज्वाला कोशिकाओं का, ज्वाला कोशिकाओं का दोस्तों उत्सर्जन अंग होता है।
अगला प्रश्न है, समुद्र की तली में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। दोस्तों जो समुद्र की तली में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, तो बेंटिक प्रकार के यहाँ पर जंतु कहलाते हैं। जो समुद्र की तली में पाए जाते हैं दोस्तों, उनको कौन से जंतु हो, तो बेंटिक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, और हमारा आखिरी प्रश्न है, मासूपियम का पाया जाना किसका प्रमुख लक्षण है। दोस्तों जो मासूपियम होता है वो जिसका पाया जाना किसका प्रमुख लक्षण माना जाता है, मेटाथीरिया का। यहीं से हमारे आज के ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टीचमेंट आईडी को एंटर करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।